ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। पुलिस और हथियार तस्कर बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक सिपाही और एक बदमाश घायल। अंधेरे का लाभ उठाकर एक फरार बदमाशों के पास से चार तमंचे, जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद। सहारनपुर जनपद के कोतवाली देवबंद घलौली चेक पोस्ट पर रात के समय पुलिस चेकिंग कर रही थी कि पुलिस को एक मोटरसाइकिल पर दो सवार आते दिखाई दिए, तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और देवबंद की ओर भाग निकले। पुलिस ने बदमाशों का पीछा करते हुए गांव सैनपुर के निकट बदमाशों को घेर लिया। दोनों ओर से फायरिंग में एक पुलिसकर्मी और एक बदमाश घायल हो गए। अंधेरे का लाभ उठाकर दूसरा बदमाश फरार हो गया। बदमाशों के पास से एक मोटरसाइकिल, चार तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुए। घायल सिपाही और बदमाश को देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि बदमाश मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और हथियार सप्लाई करने का काम करते थे। घेराबंदी करके इन्हें रॉन साइड नितारा फार्म हाउस के पास दोनों व्यक्तियों ने गलत साइड में टर्न ले लिया, रोड को छोड़ दिया और वहां से इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हमारे एक हेड कांस्टेबल को गोली लगी है और बदमाश के एक पैर में गोली लगी। जानकारी में आया है कि इस बदमाश का नाम इलियास है, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। दो बदमाश थे। मुकदमों की जानकारी की जा रही है, कई मुकदमे इनके पास है। घलौली चेक पोस्ट इंचार्ज वाहन चेकिंग कर रहे थे, जिसमें दो व्यक्ति जिनको रोका गया चेकिंग के लिए नहीं रुके और आगे भाग गए, तो इन्होंने साइड से सूचना दी। इंस्पेक्टर देवबंद निरीक्षण वन के पास चेकिंग कर रहे थे, तो उन्होंने उधर से घेराबंदी करके अपने रॉन्ग साइड आए। नितारा फार्म हाउस के पास दोनों व्यक्तियों ने लेफ्ट साइड में टर्न ले लिया, रोड को छोड़ दिया और वहाँ से जो है इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हमारे एक हेड कॉन्स्टेबल की गोली लगी है और उनके बदमाश के एक पैर में गोली लगी है। जानकारी में आया है कि इस बदमाश का नाम जो है इलियास सनोफ समय दीन है, जो मुजफ्फरनगर रहने वाला है। दो बदमाश थे। तो सर सब मुकदमे कितने हैं? मुकदमों की जानकारी की जा रही है, पहले भी किसी कई मुकदमे इसके पास हैं, लेकिन पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी आपको। इस पर चार असले बदमाश बरामद हुए हैं।